हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस, थर्ड डे आ चुका है हमारा आज अमृतसर का, एंड हम लोग जाने वाले हैं जलियांवाला बाग, एंड उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं दुर्गियाना टेम्पल। काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, काफ़ी मस्त नींद आई। काफ़ी अच्छा सा होटल है ये की कार्ड हमने ले लिया अपने रूम का, बस निकल रहे हैं यहाँ से। देखते हैं रास्ते में कौन सा कन्वेंस मिलता है हम लोगों को, एंड बीच में हम एक ढाबा भी दिखाने वाले हैं जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे। एंड मैं फिर से रास्ता गाइस, ये ना एक्चुअली होटल कुछ इस तरीके से है। देखो ये, देखो ये, देखो हम लोग दसियों बार भूल चुके हैं कि लिफ्ट किस तरफ से है, एंड हम फिर से भूल चुके हैं, हमें शायद से उस तरफ जाना है भाई। बिल्कुल आ चुके हैं होटल से बाहर हम लोग, एंड काफ़ी ठंड तो इतनी नहीं हो रही है ना, कल ज़्यादा ठंड हो रही थी उससे कंपैरेटिवली। रात को टेम्परेचर गिर जाता है। हाँ, अभी तो अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड, मतलब सौंधी सौंधी हवा बोलते हैं ना पंजाबी विच, सौंधी सौंधी हवा चल रही थी। देखिए पूरा लाल किले वाली वाही वारी है यहाँ पे। ये देखिए पूरा लाल ही लाल एनवायरनमेंट है इधर, एंड ये देखिए मिस्टर सहगल एकदम हीरो के अवतार में बाहर निकले हैं रिक्शा से। ये दुर्गियाना टेम्पल के लिए कह रहे हैं हमें यहाँ से जाना है बिल्कुल स्ट्रेट, एंड गोल्डन टेम्पल के लिए भी कल हम गए थे लेकिन हम बिल्कुल सामने वाले रास्ते से गए थे, है ना। तो बस उधर ही साइड से जा सकते हैं, दोनों साइड से जा सकते हैं। एंड क्या 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 गाइस, तो ये यहाँ पे देखिए आपने बरावाना ढाबा नाम सुना होगा, ये भी इधर ही है। केसर का ढाबा भी आसपास ही है, ब्रदर ढाबा भी इधर ही है। तो हम लोग अभी थोड़ी देर में बस मत्था टेक के आते हैं, उसके बाद खा पी कर निकलते हैं। गाइस एक सीन हो चुका है एक्चुअली, जिन पाजी को हमने बोला था ना, ई रिक्शा वाले पाजी को जिन्होंने हमने कहा था कि हमें जाना है दुर्गियाना टेम्पल, उन्होंने हमें गोल्डन टेम्पल के रास्ते में छोड़ दिया। अब यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जो दुर्गियाना है हमारा तो बिल्कुल अपोजिट साइड में है, तो बस वही है। लेकिन लकीली हम लोगों को जलियांवाला बाग भी जाना था, सही बात है, एंड वो इधर आसपास में 300 मीटर पे ही है। तो अब हम पहले जहाँ बाद में जाने वाले थे, हम पहले जलियांवाला जाएंगे एंड देन टेम्पल जाएंगे। तो गाइस कभी भी आप ऐसी जगह पे आए तो हमेशा नेविगेशन जरूर चेक करें। ये देखिए इस गली में आपको पुरानी दिल्ली की वाइब्स आ रही है। तो इस बार हम जलियांवाला बाग को कवर करेंगे बिकॉज मैं लास्ट टाइम पे नहीं देख पाया था। तो गाइस देखिए उस रास्ते में था हमारा गोल्डन टेम्पल, उसके जस्ट अपोजिट साइड में है हमारा जलियांवाला बाग। तो बस फटाफट में चलते हैं ना, इसमें भी हम थोड़ा सा घूम गए थे यार, नेविगेशन यहाँ काम ही नहीं कर रही, पता नहीं क्यों, जस्ट दिल्ली दिल्ली में करती है। हाँ जी, ये देखिए जलियांवाला बाग ऐसे है जी। जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, पूरा का पूरा उन्हीं वीर फ्रीडम फाइटर्स को समर्पित है ना जलियांवाला बाग, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद इस देश में घूम रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये इतना बढ़िया सा, मुझे तो लग रहा था कि सिर्फ एक कुआं ही है, लेकिन आप देख सकते हैं इतना बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है इसको। ये देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से बना रखा है इनको गाइस, इतना बढ़िया बगीचा बना रखा है ना यहाँ पे, देखिए हरियाली हरियाली और साफ सुथरा एकदम बढ़िया है बहुत। आगे जाकर के ही हमें वो कुआं दिखने वाला है जहाँ पे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स शहीद हुए थे हमारे। देख लीजिए किस तरीके से रिस्टोर करके रखा है, कि जिस तरह से वहाँ पे पहले घर हुआ करते थे गाइस, वो सेम की सेम बिल्डिंग है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करी गई है, देख सकते हैं आप। जितना हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर को कंजर्व करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। आज मुझे पता चला जलियांवाला बाग क्यों कहा जा रहा है इसको, है ना, बाग ही बाग ही, देखिए कितना अच्छा हरियाली सुंदर है बहुत ज़्यादा। ये देखिए किस तरह की कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है ना। एंड गाइस ये चीज़ भी अच्छी है यहाँ पे कि एंट्री फीस ज़ीरो है यहाँ की, आपको फ्री में एंट्री मिलेगी यहाँ पे, है ना, वरना तो यूजुअली मॉन्यूमेंट प्लेसेस में आपको पैसे देने पड़ते हैं, लाल किला जैसी जगह पर भी पैसे देने पड़ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल फ्री एंट्री है आपकी। ये देखिए उस ज़माने की दीवार, इसमें बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है, जैसी थी वैसी की वैसी है, आज़ादी से पहले भी है, आज़ादी के बाद भी। यहाँ पे 28 बुलेट्स फायर की गई थी जनरल डायर के बोले जाने पर, ये देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 28 गोलियाँ इस दीवार पे दागी गई थी। तो भाई साहब देखते हैं हम लोग कि किस जगह पे गोलियाँ दागी गई थी यहाँ पे। गाइस एकदम आपको मैं वैसे वाले बुलेट मार्क्स दिखाता हूँ एकदम जैसे आप समझते हैं, ये देख लीजिए बिल्कुल सर्कुलर शेप में है, ये तो ईंट टेस्ट करके थोड़ी इधर उधर होगी, लेकिन ये देख लीजिए बिल्कुल सर्कुलर शेप में है। जितनी जितनी जगह पे स्क्वायर है उतनी उतनी जगह पे आप समझ लीजिए कि गोलियां चलाई गई हैं। थोड़ी सी आगे जा करके एक और वॉल है जहाँ इस वॉल पे भी 28 गोलियां ही चलाई गई हैं। देखिए एज इट इज़ वैसे ही रखा गया है जैसी हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट थी, तो एक तरीके से गाइस मतलब लगभग यहाँ पे कोई अंग्रेज सोल्जर रहा होगा, है ना, जिसने इस दीवार पे गोलियां चलाई होंगी। मैं तो सोच भी नहीं सकता गाइस, सोच के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, 28 गोलियां बचने का कोई चांस ही नहीं है, वो भी उन लोगों के ऊपर जो कि निहत्ते थे बिल्कुल।
बहुत ही ज्यादा क्रूर था यार वो जनरल लाया ना। बुलेट मार्क्स के निशान वाला रास्ता इस तरफ है, शहीदी वेल इस तरफ है, तो हमें अभी शहीदी वेल की तरफ ही जाना है। वही कुआं जिनके बारे में आपने सुना होगा, ये देखिए ये रहा शहीदी वेल, वही शहीदी वेल जिसमें लगभग 120 लोग गिरे थे। यहाँ पे देख लीजिए उनको डेडिकेट करने के लिए लिखा हुआ भी है, टू एस्केप डेडली फायरिंग मेनी पीपल फेल इनटू दिस वेल, अबाउट 120 डेड बॉडीज वर रिकवर्ड फ्रॉम इट। पूरे 120 लोगों ने इस कुएं में छलांग मार ली थी क्योंकि बाहर फायरिंग हो रही थी, यानी कुआं बहुत गहरा है। आपको दिखाता हूँ गाइस ये कितना गहरा है, पूरा का पूरा ग्लास से कवर करा हुआ है इस कुएं को, ये देख लीजिए। आपको वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा गाइस, लेकिन लगभग ये 4 से 5 मंजिला नीचे जा रहा है इस टाइम पे, इतना गहरा कुआं है ये, बहुत ज़्यादा गहरा है। तो सोच लीजिए वो कितनी मजबूरी में उन्होंने इस कुएं में कूदे होंगे, है ना। उस जमाने में भी हो सकता है कि मतलब यहाँ पे पानी भरा रहा हो, तो जो जो आप लोग ये देख रहे हैं ना ये वाटर मार्क, मे बी शायद ये उस जमाने में यहाँ तक पानी भरा रहा होता होगा, है ना। इसे शायद मे बी बाद में खाली कर दिया हो, लेकिन फिर भी इतने गहरे और इतने बड़े कुएं में, हाँ वही तो। अब देख लीजिए ना 4-5 मंजिला नीचे जा रहा है, और उनकी बहादुरी से हम लोग सीख ले सकते हैं आगे जा करके, है ना। इसके अलावा तो बस हम सिर्फ उनको सल्यूट कर सकते हैं एंड बस याद कर सकते हैं उनको। तो भाई हमें लग रहा था कि मतलब अब सीधा यहाँ से एग्जिट ही है, लेकिन हमें यहाँ पे रास्ते में म्यूजियम दिखाई दे गया है ना। एंड यस ये म्यूजियम में हम लोग चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि ये किस बारे में है एंड किन किन लोगों को डेडिकेटेड है। जितने भी मतलब फ्रीडम फाइटर्स पंजाब से थे जिन्होंने मतलब लड़ाई करी, तो उनके बारे में पूरा का पूरा म्यूजियम डेडिकेटेड है, आप लोग देख सकते हैं। ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਲਮ ਬੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ये देखिए शहीद उधम सिंह जी की भी यहाँ पे फोटोज हैं, एशेस उनकी एशेस देख लीजिए जो विदेश से यहाँ लाई गई थी जुलाई 1974 में। पूरा का पूरा म्यूजियम ही उन लोगों को डेडिकेटेड है ना, पंजाब के जितने भी शहीद हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। एंड जस्ट म्यूजियम से बाहर ही हमें अमर ज्योति दिखाई देती है, क्योंकि जितने भी शहीद हैं उनके लिए दिन रात जलाई जाती है यहाँ पे। आपको जाना है ना अगर ज्योति के आसपास, तो आपको जूते उतारने पड़ेंगे अपने, उसके बाद आप जा सकते हैं। अब इसी के साथ में हम लोग चलते हैं एंड कुछ खाते पीते हैं, तो बस हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया। कोई ढाबा देखते हैं, परावा था ढाबा, केसर था ढाबा, कोई ना कोई ढाबा देखते हैं और खाते टूसते हैं। ये देखिए एग्जिट से जस्ट पहले यहाँ पे सेलिब्रेशन ग्राउंड आपको दिखाई दे जाएगा, इनमें फ्रीडम फाइटर्स के कहे गए कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। देखिए बाहर निकलते के साथ यहाँ मार्केट एरिया आपको लोगों को दिख जाएगा, जलियांवाला बाग से, है ना। हम लोग तो भरावा के ढाबे में जा रहे हैं इस टाइम पे एंड फटाफट चलते हैं। शॉपिंग हम लोग करेंगे मत्था टेकने के बाद मंदिर में, बिकॉज हमको सामान वामान लेके जाना नहीं चाहते हैं वहाँ पर, इसीलिए। गाइस फाइनली आ चुका है 10-15 मिनट की वॉक के बाद में हमारा भरावा का ढाबा, बस फटाफट चलकर चलते हैं। एंड काफ़ी हाइप मैंने सुनी है इस मतलब ढाबे के बारे में, होपफुली सारी की सारी हाइप जो है वो फुलफिल कर देगा एंड बस हम फटाफट से नाश्ता करेंगे। हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया बिकॉज मैं बहुत भूख लग रही है अभी। भाई जा चुके हैं हम लोग अंदर एंड हम लोगों ने सबसे पहले ये ऑर्डर करा है, आलू का पराठा एंड छोले, एंड एक और चीज़ ऑर्डर करी हमने जो कि है पनीर का पराठा एंड छोले, तो फटाफट से उसको खाते हैं। ये देखिए हमारी लस्सी भी आ चुकी है, ये मीठी लस्सी एंड ये नमकीन लस्सी, छाछ मसाला छाछ, वेरी नाइस। सही यार, अच्छा टेस्ट है, मज़ा है, टेस्ट है, वेरी नाइस सर, बराबर ढाबा बहुत अच्छा है। इसने नमकीन लस्सी ली है, कैसी है छाछ, सही है, गुड। मैंने ये मीठी वाली लस्सी ली है, क्या बात है। पंजाब आके भाई साहब ऑथेंटिक लस्सी का फ्लेवर है, ये ऑथेंटिक बोलते हैं सर, मज़ा आ गया भाई, बहुत टेस्टी है। यूजुअली मैं लस्सी पीता नहीं, मदर डेयरी वगैरह की लस्सी पी के मैं बोर हो चुका हूँ, ये तो भाई मज़ा आ गया। टेस्ट करा, इतने ही बड़े मैं 2 ग्लास पी सकता हूँ, इतनी टेस्टी है। पूरे दिन भर का व्रत इस तरीके से टूटेगा तो बहुत अच्छी बात है, तो है ना। ये देखिए जस्ट लुकिंग लाइक, तो भाई फरावा के ढाबे से हम लोग आ चुके हैं एंड बस हम लोग निकल चुके हैं दुर्गाना टेम्पल की ओर। लगभग 1.5 किलोमीटर का है रास्ता एंड हमने काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट करा है, तो सोच रहे थोड़ा चल फिर के डाइजेस्ट करते हैं ना। बिल्कुल, अमृतसर की गलियां भी एक्सप्लोर करते हैं। ये है मेन अमृतसर का, अभी तक हम जो देख रहे थे वो तो खाली बार बार से देख रहे थे, ये देख सकते हैं आप मार्केट एरिया इस तरीके से, दिस इज द ओल्ड प्योर अमृतसर। एंड मेरे को अब नेविगेशन चलानी पड़ेगी क्योंकि मुझे रास्ता नहीं पता, तो आपसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ।
पहुंच चुके हैं जी हम दुर्गाना मंदिर वाली गली में। भी जूता घर दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ से जूते हम लोग अपने लेंगे इनको एंड उसके बाद में आपको दिखाते हैं मंदिर। ये देखिए जी आ गया हमारा दुर्गाना मंदिर। इस मंदिर का नाम ना माता दुर्गा के नाम पर रखा गया है इसलिए दुर्गाना नाम है, और लगभग बहुत पहले 1921 या शायद उससे ही पहले का बना हुआ मंदिर है। काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी मान्यता है इस मंदिर की। तो बस हम फटाफट दर्शन करते हैं और आपको दिखाते हैं। आप लोग जैसे देख सकते हैं ना कि मतलब सेम टू सेम गोल्डन टेम्पल के जैसा ही दुर्गाना टेम्पल दिख रहा है ना, हूबहू वैसे ही आसपास में सरोवर है इसके भी एंड वैसे ही एकदम कतार में जैसे हम लोग कल लगे थे तो बिल्कुल सेम ही है ना, भगवान तो भाई सेम ही है बिल्कुल। हाँ ये मार्बल का फ्लोर वैसे ठंडा लग रहा है ना इतना, अगर इस तरफ है तो ठीक है, इस तरफ में ना थोड़ा थोड़ा पानी है तो वहाँ तो बहुत ही ठंडा लग रहा है भाई चलते हुए। हम जिस गेट से आए थे ना वो दूसरा गेट था, मेन जो गेट है मंदिर का वो ये वाला है यहाँ से। ये देख लीजिए ये रहा दुर्गाना मंदिर का फ्रंट गेट, ये देखिए। चलो जी भगवान जी के दर्शन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हैं ना एकदम, कोई भीड़ नहीं थी कोई कुछ नहीं था, एकदम बढ़िया से दर्शन हुए हमारे और काफ़ी एकदम अच्छा लग रहा है मंदिर से आके, एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भर गए हम लोग। बस जी भगवान जी का आशीर्वाद हमारे और आप सबके साथ बना रहे मैं तो ये चाहूँगा। भाई निकल चुके हैं हम लोग दुर्गाना टेम्पल से और अब हम लोग जा रहे हैं इधर कटरा मार्केट की ओर कुछ शॉपिंग वूपिंग करने के लिए। बस देखते हैं कुछ अमृतसर की जो ना स्पेशलिटी चीज़ें लेते हैं एंड उसके बाद सीधा होटल जा कर के हम लोगों को जाना है रेलवे स्टेशन। भाई तो भाई जा चुके हैं हम लोग कटरा मार्केट, अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम पैदल चल चल के यहाँ से आए थे हम दोबारा से क्योंकि हमने मत्था टेक लिया वापस आ गए इधर। अब फटाफट शॉपिंग करते हैं एंड आपको दिखाते हैं कि हम लोग क्या क्या खरीदने वाले हैं यहाँ से, है ना भाई। जुत्ती ले ली हमने इस दुकान से, अब ना हमने यहाँ पे सुना फुलकारी वुलकारी ये सब बहुत ज़्यादा फेमस है ना। मार्केट तो देखो बहुत बड़ा है, बहुत कुछ है खरीदने के लिए यहाँ पे, लेकिन बस वही है यहाँ पे कोई लोकल होता ना यार हमारे साथ तो मज़ा आता, बैंक बैलेंस खाली हो जाता। अच्छा जी फुलकारी फुलकारी दुपट्टा ओनली दुपट्टा लिख देना ना, सूट क्या रेंज क्या है ये बॉर्डर वाली प्योरली पंजाबी बनती है। हाँ पंजाब की जो पटियाला की पटियाला में फुलकारी जितनी बनती पटियाला में बनती। अच्छा हम ये ले आप इसका सा सूट भी मैडम को दिखाना है एक मिनट ये देखो ये अभी दिया 600 रुपए का आपके सामने लड़की। अच्छा 600 का दिया ये देखो ये आपको प्यार से भाई इसमें 100 कलर है मेरे पास, इसको कोई अस्तर नहीं लगेगा सर नीचे। अच्छा जी कईयों को लाने की लगती ना नीचे, ये देखो इधर रस्सी की तरह करो कुछ नहीं और आपका मान करेंगे। और बताओ 600 का दिया मैंने 5 मिनट। हाँ तो गाइस निकल चुके हम लोग कटरा मार्केट से एंड बस हम लोग जा रहे हैं बहुत फेमस यहाँ पे बंसल स्वीट करके है ना, वहाँ से एक आध मिठाई लेंगे और फिर होटल चलेंगे वहाँ पर। गाइस ले लिए हमने यहाँ से बंसल स्वीट से थोड़ी सी पिन्नी एंड थोड़ा से लड्डू। गाइस आ चुके हैं हम लोग उसी रेलवे स्टेशन पे जो अमृतसर का है एंड यहाँ से हमने अपने अमृतसर की यू नो अमृतसर में आके अमृतसर की जर्नी को स्टार्ट करा रहा है। ये देखिए इतनी बढ़िया तरीके से ऐसी लाल बिल्डिंग टाइप बना रखी है ना, महल लगता है पूरा। ये देखिए गाइस आ चुकी है हमारी शताब्दी एक्सप्रेस, हमारे आने से पहले ही ये प्लेटफॉर्म पे लगी हुई है एंड बस थोड़ी देर लगभग 15-16 मिनट में चलने वाली है। मिल चुकी है सीट हमें, इस बार विंडो सीट मिली है। ये देखिए लगभग 6-7 घंटे पहुँच जाएंगी और आप देख सकते हैं 4:46 हो रहे हैं, 4:50 पे चलेगी लगभग, रात के 11 बजे हमें कुछ आ देगी तो काफ़ी फास्ट चलेगी एंड काफ़ी कम स्टेशन रहेंगे बीच में। सिर्फ बेकार थी लेकिन मेरे को ये लगी कि हमारी सीट जो है वो उल्टी तरफ जाने वाली सीट है यार, पूरे रास्ते में हमें ऐसा बैकवर्ड थ्रस्ट लगेगा। अभी हम लोग बस कैलकुलेट कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या लगा कितना लगा, कहाँ ये मेरे को कितना लूटेगा और मैं इसको कितना लूटूंगा, बस ये कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग है ना। कितने लगे 2-4 लाख तो लग गए आराम से है ना, अमृतसर तो बहुत सस्ता है, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है इसके पास मेरे पास। शिवम जी ने इस वाले मतलब इस जर्नी के लिए सीट्स के लिए मतलब फूड इंक्लूड नहीं कराया था, अब हमें पैसे देके खाना पड़ रहा है। इस चीज़ के 90 रुपीज़ दे रहा हूँ, बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें इसके अंदर। एक है ये
पता नहीं क्या ये स्वीट्स कुछ लिखा है। ये है समोसा, इस समोसे का साइज इतना बड़ा है जितना बड़ा आपका मिनी समोसा होता है। फिर एक डाइट नमकीन, एक सैंडविच है और एक चाय है। तो खाते हैं, बताते हैं ये कैसा है। बिकता क्या मतलब पूछा, आपको वैसे दुकानों में मिल जाता है ना सैंडविच मेयोनीज वाला। सो ये रहा समोसा, तो गर्म होता तो अच्छा लगता है लेकिन ठीक है काम चलाओ। एक और समोसा मिला हमें अपने फैलो पैसेंजर का, वो कह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है, अंदर से कच्चा है। मैं भी एक बार जरा ऑपरेशन करके देखूँ इसका। ये थोड़ा सा पका हुआ है, ये खुल नहीं रहा, इसके स्टिचेस सही से लगे हैं। पता लग गया कि आप ब्लॉगर हो इसलिए वो आपको दूसरा वाला दिया। सही बात, आपको यारा लिया है। गाइस स्टेशन पे हम लोग उतर चुके हैं, नई दिल्ली में नहीं उतर रहे, हम लोग सब्जी मंडी उतर रहे हैं बिकॉज हमारे घर से पास पड़ रहा है। होपफुली सब्जी मंडी है बिकॉज अभी तक कहीं पे मैंने नाम नहीं पढ़ा स्टेशन का कि क्या है। एक्सक्यूज मी, सब्जी मंडी स्टेशन है? सब्जी मंडी है आज, सब्जी मंडी है भाई। लेट्स गो, घर चलो, घर चलो, यहीं से चल। टाइम देख कितना भी जा रहा है अभी, यहाँ से तो पास है यार तेरा और मेरा। नई दिल्ली फिर सीपी में जाके आगे की तरफ है ना, तो ठीक है। 10 मेरे को दूर है। तेरे पापा ने सब्जी मंडी बोला था? बोला था, बस इसलिए बोला था क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता ना, उसने बोला था। टाइम ज़्यादा मतलब क्या है यार? मतलब ये है कि अबे सही है, ये सब्जी मंडी सही पड़ेगा तेरे को भी और मेरे को भी भाई। देख करोल बाग पास है। चलिए गाइस मैप देखते, सॉरी मैं भूल गया था मैं ब्लॉग कर रहा हूँ अभी। ये सबसे नेचुरल ब्लॉग था आज तक का। तो गाइस इसी चलती हुई गाड़ी के साथ में हमारी जर्नी हो चुकी है ये कम्प्लीट। होपफुली आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, होपफुली आपको अमृतसर सीरीज पसंद आई होगी, हमें तो काफ़ी अच्छा लगा। होपफुली ब्लॉग देख के आपको भी थोड़ा अच्छा लगा होगा, है ना। तो गाइज अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करें, मिस्टर साइकिल ने बोला और तो प्लीज़ करें। एंड होपफुली हम लोग आपके लिए एक नया ब्लॉग ज़रूर लेके आएंगे किसी बहुत अच्छी डेस्टिनेशन के साथ में। तब तक के लिए गाइज टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। हाँ अब जाके ब्लॉग खत्म हुआ, पहले नहीं हुआ था।